अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर हैविंग कंप्लीट डिस्कशंस अपॉन द फाइव चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इफ आई रिकॉल देम, हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एंड अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स. नाउ वी आर मूविंग अपॉन द सिक्स्थ चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड, जी हाँ, ये छठा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड. अच्छा, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्पेसिफिकली इसके इंट्रोडक्टरी पोर्शन के ऊपर फोकस करेंगे. थोड़ा सा मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इंट्रोडक्शन और उसके बाद जो उनका क्लासिफिकेशन पैटर्न है वो बता दूंगा. अच्छा, सबसे पहले अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये भी हाइड्रोकार्बन्स हैं. अच्छा, अब इनको, इनके साथ एसिड का वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि ये एसिडिक करेक्टर शो करते हैं, ठीक है. इनके अंदर प्रोटॉन को डोनेट करने की एबिलिटी है, इस वजह से इनको, इनके साथ एसिड का वर्ड लगाया गया. अच्छा, फिर आ जाते हैं इनका फंक्शनल ग्रुप. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ और इसके साथ ओ एच, ठीक है. यहां पर आप देख सकते हैं कि दो फंक्शनैलिटी आपको इकट्ठी मिलेंगी, एक है कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी और दूसरी हाइड्रोक्सिल फंक्शनैलिटी. दो फंक्शनल ग्रुप्स आपको आपस में जुड़े हुए मिलेंगे. तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है. अच्छा, ये जो कार्बोक्सिलिक है ना, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसमें, इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो दो वर्ड हैं कि कार्ब, कार्ब का मतलब है जी ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ वाला, ठीक है. और उसके बाद ऑक्साइल का मतलब, ओ एक्स वाई एल का मतलब दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ, कार्बोक्सिलिक का मतलब ये हुआ कि इसमें दो फंक्शन ग्रुप है, एक कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप है और दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप है, जो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इस वजह से, और ये एसिडिक करेक्टर शो करते हैं, तो इस वजह से इनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं. अच्छा, अब आ जाती है दूसरे नंबर के ऊपर, इनकी आ जाती है जी क्लासिफिकेशन, ठीक है जी. इनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है? तो क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो दो क्लासेस में इनको बेसिकली डिवाइड किया गया है. जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, जो फर्स्ट क्लास है उसका नाम है एलिफैटिक, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और जो दूसरी क्लास है, मैं इधर लिख देता हूँ, दूसरी क्लास जो है इसको बोलते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको. अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऊपर. एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से होते हैं? अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ आर ग्रुप लगा हुआ हो, या फिर इस आर की जगह आप हाइड्रोजन बी लगा सकते हैं, तो जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो होगा एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूं तो फॉर एग्जाम्पल सी डबल बॉन्ड ओ और इसके साथ ओ एच, ठीक है. इस R की जगह अगर मैं H लगा दूं तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है जी. या इसको मेथनोइक एसिड भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एक कार्बन है, ठीक है. अगर इस कार्बन, इस हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन और लगा के सी एच थ्री ग्रुप इसको बना दें, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना ये बेसिकली एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है. और इसका नाम क्या है? वन टू दो है, तो एथनोइक एसिड इसको बोलते हैं, या फिर इसका जो कॉमन नेम है इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं. फिर अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिसमें टोटल तीन कार्बन हो, तो प्रोपोनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, अप टू सो ऑन, इस तरह ही आगे चलते जाएंगे, ठीक है. फिर आ जाएं जी आप एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऊपर. जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इनमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है इसके साथ कोई एरोमेटिक ग्रुप अटैच होता है. ए आर का मतलब कोई एरोमेटिक ग्रुप अटैच है. फॉर एग्जाम्पल कोई फिनाइल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, बेंजीन से रिलेटेड, ठीक है, तो या फिर कोई एराइल ग्रुप अटैच होगा इसके साथ, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम कहते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अगर मैं इनकी एग्जाम्पल की बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल ये बेंजीन है, ठीक है, इस बेंजीन के साथ अगर सी डबल ओ एच ग्रुप ऐसे लगा दें तो ये हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, ठीक है जी. अब ये तो थी दो कैटेगरीज के अंदर इनकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन. अच्छा, अब नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स दैट आर अटैच्ड इन अ कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स अटैच्ड हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स अटैच्ड हैं, उनकी नंबर की बेस पे भी इनकी क्लासिफिकेशन की गई है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, जैसा कि इन सब में एक लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो उनको
ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, अगर दो फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, अप टू सो ऑन। तो ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल्स लिखी, ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एग्जांपल्स हैं। हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी यहाँ पर कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत कॉमनली नाम सुना होगा ऑक्सैलिक एसिड का, ठीक है। तो ये इधर देखें आप, यहाँ पर तो एक फंक्शन ग्रुप ये, दूसरा फंक्शन ग्रुप ये, दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में जुड़े हुए। तो इस क्या कहते हैं, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है ऑक्सैलिक एसिड, या फिर इसका इथेन 1,1,2-dioic एसिड भी इसका नाम हो सकता है, क्योंकि दो फंक्शन ग्रुप्स ये लगे हुए हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड भी इसको बोलते हैं, और उसके बाद इथेन 1,2-dioic एसिड भी इसको बोल सकते हैं। फिर एक और एग्जाम्पल है जी, फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है एक, इसके साथ यहाँ पर CWH जोड़ दें और दूसरी तरफ यहाँ पर CWH जोड़ दें, ठीक है जी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पूरे करते हैं, H2 लगा देते हैं, तो 1,3 प्रोपानोइक एसिड, प्रोपेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है। तो यहाँ पर भी देखें दो फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तीन भी हो सकते हैं, उसको जो है ना हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देंगे, जिस तरह डाई है मोनो है, ठीक है। इस तरह जो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, वो भी मोनो डाई ट्राई की कैटेगरी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसको सिंपली बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है, क्योंकि बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगा हो, CWH, ठीक है। अब इसमें दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा जी इसको बोलते हैं फिथालिक एसिड, ठीक है। बेंजीन 1,2-dicarboxylic एसिड भी इसका नाम है, और इसका नाम फिथालिक, PTHALIC, फिथालिक एसिड इसका नाम है जी, ये कॉमन नेम है इसका, ठीक है। जो मैंने आपके सामने लिखा है इसका नाम है मेलोनिक एसिड, ठीक है जी, मेलोनिक एसिड। ये ऊपर वाला जो है इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। तो ये जी ये थी क्लासिफिकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। दो बेसिक इसकी क्लासिफिकेशन है, एलिफैटिक और उसके बाद एरोमेटिक, ठीक है। फिर आगे अगर हम सब टाइप्स में जाएं, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन में जाएं, तो फिर मोनो डाई ट्राई अप टू सो ऑन, इस तरह से भी इसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है। एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिख दी हैं। अगर किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। हम इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में हम क्या चीज डिस्कस करेंगे, हम नॉमेनक्लेचर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उनको नाम देने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो आप इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।